एक्सपोर्टर एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर में जो अभी इजलास मुनक्कद किया गया था जिसमें फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान मेंबरान जो हैं वो शरीक थे। इसके अलावा पावर लूम्स ऑनर एसोसिएशन के मेंबरान भी मौजूद थे जिन्होंने एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की है। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तीन मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं कि जो गैस महंगी कर दी गई है, सर्दियों में हर साल इसी तरीके से होता है कि सर्दियाँ आती हैं और गैस जो है उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है या फिर गैस जो है मुकम्मल तौर पर सनअती सेक्टर के लिए बंद कर दी जाती है। इस दफ़ा भी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि गैस जो है उसको महंगा कर दिया गया है और उसकी कीमत जो है 934 रुपये पर MMBTU कर दी गई है, जबकि सिंध के लिए जो है वो 400 रुपये कर दी गई है। उससे पहले 600 थी, अब 200 रुपये मजीद सस्ती कर दी गई है। तहम इसके ऊपर जो है एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने एक हंगामी इजलास मुनक्कद किया। इजलास में उन्होंने जो है अपने मुतालबात पेश किए। मुतालबात में उनका कहना था कि तमाम सूबों के लिए यकसा गैस जो है वो फराम की जाए, यकसा कीमतों पर फराम की जाए ताकि फैसलाबाद का और खसूसी तौर पर फैसलाबाद ऐसा एक शहर है जो कि एक्सपोर्टिंग में जो है एक्सपोर्टर्स में की जानिब से भरा हुआ है और यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है फैसलाबाद की वो 50% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। तहम उनका ये मुतालबा है कि तमाम सूबों के लिए यकसा कीमतों पर गैस फराम की जाए। दूसरी जानिब उनका ये मुतालबा था कि जो बिजली की कीमतें हैं उसको सनअती सेक्टर के लिए 7 रुपये पर यूनिट किया जाए ताकि एक्सपोर्टर्स का पहिया जो है वो चलता रहे, कारोबारी पहिया चलता रहे। उनका कहना था कि 934 रुपये गैस कर देना नहायत एक जालमाना एक्ट है हुकूमत की जानिब से। उन्होंने कहा है कि हुकूमत इस अपने फैसले को फौरी तौर पर वापस ले, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा जो है वसी किया जाएगा और 6 दिसंबर को जो है यौम सयाह मनाने का ऐलान भी एक्सपोर्टर्स की जानिब से किया गया है। इस इजलास में जो है और इस पूरे धरने में एक्सपोर्टर्स की, फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। उनका कहना था कि 80% पंजाब की एक्सपोर्ट है और उसमें से 50% जो है वो फैसलाबाद का हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद बताइएगा कि अभी जो एहतजाज किया जा रहा है यौम सयाह जो 6 दिसंबर को मनाया जाएगा, एहतजाज जब तक जारी रहेगा? जी मुझे आवाज नहीं आई। शहराज भट्ट ये बताइएगा कि आपके आपसे इस हवाले से मजीद भी जानेंगे। बहुत शुक्रिया शहराज।